मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, आ रही है? ठीक है, तो चलो हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं, है ना? एट एग्जांपल एट से शुरू करेंगे, सेवन तक हम लोग इससे पहले क्लास में हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग सेवन वाला करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सेवन। एग्जाम्पल सेवन हो चुका है ना? हेलो सर, हाँ सेवन हो चुका है। तो एट होगा ना? ठीक है, एट। एग्जाम्पल एट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। तो किस पॉइंट पर डिस्कस करना है ये मेरे को नहीं दिया हुआ है। तब हम लोग ऐसी स्थिति में जब इसको हम लोग हल करने जाएंगे, ठीक है ना, जब इसको हम लोग हल करने जाएंगे, इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, कोई पॉइंट नहीं दिया है किस पॉइंट पर करना है, तो हम लोग एक आर्बिट्री पॉइंट मान लेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू सी बी आर्बिट्रारी रियल नंबर। ठीक है, आर्बिट्ररी रियल नंबर है ना। तो एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी पर हम लोग मतलब देखेंगे, तो सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्स इज इक्वल टू सी पर उस फंक्शन का वैल्यू, तीनों अगर इक्वल हो जाए तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या ना लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच। एफ सी माइनस एच तो एफ एक्स क्या है, यहाँ एफ एक्स है देख लीजिए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये है एफ एक्स। मतलब एफ एक्स का वैल्यू कुछ भी हो एफ एक्स सही होगा, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, कोई कंडीशन नहीं दिया है इसमें जो एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो होने से या एक्स ग्रेटर देन कुछ होने से एफ एक्स का वैल्यू इतना, एक्स ग्रेटर देन लेस देन कुछ होने से एफ एक्स का, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू हमेशा कुछ भी कंडीशन हो एफ एक्स का वैल्यू यही होगा। तो एफ सी माइनस एच का वैल्यू क्या होगा, एफ सी माइनस एच का वैल्यू भी वही होगा। तो एफ सी माइनस एच, यहाँ सी माइनस एच को हम लोग एक्स मान लेंगे, तो क्या है एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स क्यू मतलब सी माइनस एच का क्यू प्लस एक्स स्क्वायर मतलब सी माइनस एच का स्क्वायर फिर माइनस वन। ये अब इसमें यदि हम लोग एच टेंस टू जीरो पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो मतलब सी माइनस जीरो का होल क्यू मतलब सी क्यू प्लस यहाँ पर सी माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर माइनस वन। ठीक इसी प्रकार से लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच मतलब राइट हैंड लिमिट, ये भी हम लोग इसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, क्या ना लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ भी एफ एक्स का वैल्यू हमेशा ही होगा ना, क्योंकि कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है, कुछ भी हो एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन ही होगा। तो सी प्लस एच का क्यू प्लस एक्स स्क्वायर मतलब सी प्लस एच का स्क्वायर
और माइनस वन। इसमें भी अगर मान लीजिए h टेंस टू जीरो पुट कर देंगे तो c प्लस जीरो का होल क्यू मतलब c क्यू प्लस c प्लस जीरो का स्क्वायर मतलब c स्क्वायर माइनस वन। फिर एफ सी का वैल्यू भी हम लोगों को निकालना होगा। एफ सी तो एफ सी क्या हो जाएगा, देखिए एफ सी एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस वन। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल है, दस क्या ना लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच मतलब राइट हैंड लिमिट। और इस सब का वैल्यू किसके बराबर है, एफ सी के वैल्यू के बराबर है। एफ सी का वैल्यू भी वही है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू ये, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू ये, और एफ सी तीनों का वैल्यू बराबर है मतलब इज इक्वल टू एफ सी, ये तीनों बराबर। हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है ना फॉर एवरी रियल नंबर, कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर एक्स इजिकल टू सी आर्बिट्ररी लिए थे, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं एक्स इजिकल टू सी पर चूंकि ये कंटिन्यूअस हो गया तो आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी पॉइंट लेंगे तो वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यहां पर देखो एक और क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल नाइन, एग्जाम्पल नाइन बोला है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन स्मॉल एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, लेकिन इसमें दिया है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमको एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पर हमको देखना होगा, लेकिन यह किस पॉइंट पर देखेंगे ये कुछ नहीं बोला है, तो इसीलिए इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन क्या होगा, मैंने हम लोग मान लेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू सी, कोई पॉइंट नहीं दिया है तो सी है ना, ये सी जो होगा ना बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, हम लोग मान लेंगे कि ये सी एनी नॉन जीरो रियल नंबर मतलब आर्बिट्ररी रियल नंबर। ठीक है, और नॉन जीरो इसीलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया है कि एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग जीरो पर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जीरो छोड़ करके एक्स इजिकल टू जीरो छोड़ करके कुछ भी पॉइंट पर हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट सी माइनस एच, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे लिमिट एच टेंस टू एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, देखिए एफ एक्स इजिकल टू वन बाय एक्स, यहां पर कोई कंडीशन नहीं दिया, खाली एक ही कंडीशन है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पर चूंकि एच टेंस टू जीरो है और सी तो कुछ है नॉन जीरो और एच टेंस टू जीरो है मतलब सी माइनस एच निश्चित रूप से जीरो नहीं होगा, इसीलिए एफ एक्स इज इक्वल टू यही वाला कंडीशन होगा एफ एक्स इजल टू वन बाई एक्स, वन बाई एक्स मतलब एक्स के जगह सी माइनस एच। अभी यदि हम लोग एच टेंस टू जीरो कर दें तो इसका वैल्यू वन बाय सी आ जाए। ठीक इसी प्रकार से यहां पर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स इजिकल टू क्या है, यहां भी देखिए एच टेंस टू जीरो लेकिन सी जो है सी यहां पर सी बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, सी जीरो नहीं है तो एच जीरो होने से भी सी चूंकि जीरो नहीं है इसीलिए क्या हो जाएगा मतलब सी प्लस एच भी जीरो नहीं होगा, इसीलिए एफ एक्स इजिकल टू क्या, एफ एक्स इजिकल टू वन बाय एक्स, वन बाय एक्स मतलब वन बाय सी प्लस एच। अब इसमें अगर एच टेंस टू जीरो पुट कर देंगे तो वन बाय सी, फिर क्या, फिर एक चीज देखना है कि उस पॉइंट पर मतलब किस पॉइंट पर, सी पर, सी पर एफ एक्स का वैल्यू क्या है मतलब एफ सी का वैल्यू।
एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी तो जीरो नहीं है यहाँ पर, हम लोग मान लें बी यानी नॉन जीरो रियल नंबर, इसीलिए एफ एक्स का वैल्यू वन बाई एक्स, तो एफ सी का वैल्यू वन बाय सी, तो यहाँ भी तीनों बराबर है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दस ये जो है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो है ना एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ सी, ये तीनों बराबर हो गया। हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का कुछ भी रियल वैल्यू के लिए एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नाइन हो गया, एग्जाम्पल आ जाइए एग्जाम्पल टेन, ठीक है एग्जाम्पल टेन पर आ जाइए, एग्जाम्पल टेन है ना, एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल टेन, एग्जाम्पल टेन देखिए क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू कब होगा ना इफ एक्स लेस देन वन, और एक्स माइनस टू कब होगा ना इफ एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है। लेकिन यहां भी किस पॉइंट पर देखना है कंटिन्यूटी ये नहीं बोला है, तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग मान लेंगे कि एट पॉइंट सी, ठीक है इसका सॉल्यूशन क्या, एट एक्स इज इक्वल टू सी बी एनी आर्बिट्रारी रियल नंबर, आर्बिट्रारी रियल नंबर, ठीक है एक्स इक्वल टू सी जो कि एक आर्बिट्रारी रियल नंबर है उस पर हम लोगों को टेस्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा एक मिनट, यहां पर एक कंडीशन दिया है कि एक्स जो है लेस देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स इक्वल टू वन, ठीक है ये तीन कंडीशन दिया है, तो हम लोग केस वन मान लेंगे। केस वन, इफ ये जो सी है सी अगर लेस देन वन तब हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, सी अगर वन से छोटा हो तो इस फंक्शन ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, फिर देखेंगे सी वन से बड़ा हो तो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, फिर एक्स इक्वल टू सी पर देखेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू सी जो है ये लेस देन वन है, तो यहां पर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच इज इक्वल टू क्या ना लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां एक्स की जगह क्या है सी माइनस एच है, सी माइनस एच मतलब जो है सी माइनस एच, देखिए सी माइनस एच जो है वो सी से छोटा है या बड़ा है, यहां पर जो है सी वन से छोटा है, इस केस में एक्स इजिकल टू सी जो है ये वन से छोटा है, अगर सी वन से छोटा है ठीक है सी वन से छोटा है तो सी माइनस एच क्या होगा, ये भी वन से छोटा ही होगा, सी से और एच घटाएंगे, एच हालांकि टेंस टू जीरो बहुत ही छोटा नंबर, तो ये भी वन से छोटा होगा, इसीलिए एफ एक्स इजिकल टू तब क्या होगा, देखिए x का वैल्यू अगर 1 से छोटा हो तो एफ एक्स का वैल्यू x प्लस टू, इसीलिए यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस टू, ये वाला यूज होगा, तो एफ एक्स x की जगह क्या है c माइनस एच, तो c माइनस एच मतलब x मतलब c
सी माइनस एच प्लस टू, ये होगा। अब एच टेंस टू अगर हम लोग इसमें जीरो रख दें तो सी माइनस जीरो मतलब सी प्लस टू। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, यहां पर भी देखिए x के जगह क्या है, x के जगह c प्लस एच है, और यहां पर c क्या है, 1 से छोटा है, c 1 से छोटा और h टेंस टू 0 माने बहुत ही छोटा नंबर, वो नेग्लेजिबल लगभग लगभग h, तो c चूंकि 1 से छोटा है इसलिए c प्लस एच भी 1 से छोटा ही होगा, इसीलिए ये एफ सी प्लस एच का जो वैल्यू होगा ना वो एफ एक्स एफ एक्स, हाँ एफ एक्स क्या हो जाएगा, तब इस केस में एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो fx का वैल्यू x प्लस टू, एक्स प्लस टू, तो एफ सी प्लस एच का वैल्यू c प्लस एच प्लस टू। अब इसमें यदि हम लोग लिमिट h टेंस टू जीरो पुट कर दें तो c प्लस जीरो प्लस टू मतलब c प्लस टू। फिर एफ सी का वैल्यू यहां पर देखिए एफ सी एफ एक्स की जगह क्या है, c है, x की जगह c है, और c इस केस में क्या है ना, लेस देन वन है, इसीलिए x का वैल्यू अगर लेस देन वन होगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, हम लोग बार बार एक ही यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर हो जाएगा लिमिट लिमिट तो यहां नहीं लगेगा ना, यहां पर एफ एक्स का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे क्या, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो एफ सी इज इक्वल टू सी प्लस टू। दस ये तीनों वैल्यू बराबर हो गया, देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच का वैल्यू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच के वैल्यू के बराबर हो गया, और वो एफ सी के वैल्यू के भी बराबर हो गया, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स लेस देन वन, एक्स लेस देन वन के लिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग को देखना पड़ेगा केस टू, केस टू में हम लोग मान लेंगे, केस टू में मान लेंगे इफ एक्स इज इक्वल टू जो सी है, ये सी का वैल्यू मान लीजिए वन है, मतलब वन पर हम लोग को टेस्ट करना है, तो वन पर टेस्ट करेंगे तो वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस, यहां पर एफ सी माइनस एच, तो सी इज इक्वल टू तो वन है इसीलिए वन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पर देखिए एच टेंस टू जीरो, यहां पर देखिए एक्स के जगह क्या है, एक्स के अरे क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा, एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहां पर एक्स के जगह वन माइनस एच है, वन माइनस एच मतलब ये वन से छोटा या वन से बड़ा, तो वन से जितना भी छोटा नंबर घटाइए, एच टेंस टू जीरो मतलब कुछ तो है, तो वन से जितना भी छोटा नंबर घटाइए वो वन से छोटा ही होगा, इसीलिए यहां पर एफ एक्स का जो वैल्यू होगा ना एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू होगा, ये देखिए एक्स का वैल्यू अगर वन से छोटा हो, एक्स का वैल्यू अगर वन से छोटा हो तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू, तो यहां पर एफ एक्स एक्स की जगह वन प्लस एच है, तो सॉरी वन माइनस एच, वन माइनस एच है तो वन माइनस एफ एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू ना, तो एफ एक्स मतलब वन माइनस एच एक्स की जगह प्लस टू। अब एच टेंस टू जीरो अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, वन माइनस जीरो प्लस टू मतलब वन प्लस टू मतलब थ्री। अब देखिए फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो किस पर, वन पर, तो वन प्लस एच, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा देखिए एक्स के जगह क्या है, वन प्लस एच है, देखिए एक्स के जगह वन प्लस एच है, वन प्लस एच मतलब वन से बड़ा है, ये ग्रेटर देन वन है, एच कुछ भी हो लेकिन वन प्लस एच तो वन से बड़ा होगा, इसीलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर एक्स का वैल्यू अगर वन से बड़ा हो तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहां देखिए एक्स अगर वन से बड़ा हो तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस टू, ठीक है ना, तो यहां एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स माइनस टू, तो एफ एक्स का वैल्यू अगर एक्स माइनस टू हो तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स मतलब वन प्लस एच माइनस टू, ठीक है, इसमें यदि अगर हम लोग एच टेंस टू जीरो पुट कर दें तो वन माइनस टू, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस वन, देखो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है थ्री निकला लेकिन राइट हैंड लिमिट माइनस वन निकला,
अब इसमें एफ वन का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं, नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस हो गया है, ये इसके इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू वन पर, ठीक है, तो उसको और नहीं निकालेंगे। ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो एफ सी का वैल्यू हम एफ वन का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 10 लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच इज नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच, ये दोनों इक्वल नहीं है। हेंस क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू वन, मतलब एक्स का वैल्यू वन के लिए ये डिसकंटिन्यूअस होगा। अब केस थ्री में आई, केस थ्री क्या, केस थ्री मतलब इफ एक्स इज इक्वल टू सी है, ये अगर ग्रेटर देन वन हो, वन से बड़ा हो, तो इफ एक्स इज इक्वल टू जो सी है ये अगर ग्रेटर देन वन हो तब क्या हो जाएगा, ना लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच, माने लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच, मतलब एक्स के जगह क्या है सी माइनस एच, और सी क्या है वन से बड़ा है, सी अगर वन से बड़ा है और एच तो बहुत टेंस टू जीरो बहुत ही छोटा, तो निश्चित रूप से ये जो है वन से बड़ा ही होगा। इसीलिए एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू अगर वन से बड़ा हो तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू ये देखिए एक्स अगर वन से बड़ा हो तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस टू, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो यहाँ पर एफ एक्स अगर एक्स माइनस टू है तो एफ एक्स मतलब सी माइनस एच, ठीक है, तो एफ एक्स मतलब सी माइनस एच एक्स की जगह फिर प्लस सॉरी माइनस टू माइनस टू, ठीक है। अब इसमें अगर एच टेंस टू जीरो पुट कर देंगे तो सी माइनस जीरो मतलब सी और माइनस टू, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक्स के जगह क्या है सी प्लस एच है, सी तो वन से बड़ा है तो सी प्लस एच निश्चित रूप से वन से बड़ा ही होगा, इसीलिए एफ एक्स का वैल्यू जो है वो एक्स माइनस टू ही होगा, ठीक है। तो एफ एक्स मतलब एफ सी प्लस एच, तो सी प्लस एच माइनस टू मतलब एक्स माइनस टू। तो इसमें अगर हम लोग लिमिट पुट कर दें, है ना, लिमिट पुट कर देने से सी प्लस जीरो, तो सी प्लस जीरो मतलब सी और माइनस टू, तो ये सी माइनस टू। फिर एफ सी का वैल्यू देखिए, एफ सी का वैल्यू क्या होगा, तो सी इसके जगह एफ एक्स लिखते हैं ना, तो एक्स के जगह सी लिखे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू सी, और इस केस में जो है सी वन से बड़ा है, इसीलिए एफ एक्स का जो वैल्यू होगा ना वो एक्स माइनस टू होगा, ठीक है, एक्स माइनस टू होगा, तो एफ सी का वैल्यू भी सी माइनस टू होगा। एफ एक्स इजिकल टू एक्स, एफ एक्स इजिकल टू अगर एक्स माइनस टू तो एफ सी सी माइनस टू। तो ये 10 यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच इज इक्वल टू हो गया, तीनों इक्वल हो गया ना, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ सी, ये तीनों इक्वल हो गया। हेंस क्या हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी ग्रेटर देन वन, ठीक है, एक्स इक्वल टू सी ग्रेटर देन वन के लिए, मतलब सी का वैल्यू अगर वन से बड़ा हो तो भी कंटिन्यूअस। तो फाइनली क्या आया हम लोगों का, देखिए केस वन, अगर सी का वैल्यू वन से छोटा लिए तब भी वो कंटिन्यूअस, सी का वैल्यू अगर वन लिए तब डिसकंटिन्यूअस, और सी का वैल्यू अगर वन से बड़ा ले लिए तो कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब हो गया, हेंस फाइनली फाइनली द गिवेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू वन, मतलब एक्स इज इक्वल टू वन को छोड़ करके सभी, देखिए एक्स का वैल्यू अगर सी जो है
वो अगर वन से छोटा है, कुछ भी हो, कुछ भी रियल नंबर हो वन से छोटा, तो उसके लिए कंटिन्यूअस। एक्स का वैल्यू सी जो है वो वन से बड़ा, मतलब वन से बड़ा कुछ भी रियल नंबर हो तो उसके लिए भी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो उसके लिए कंटिन्यूअस, लेकिन एक्स इज इक्वल टू अगर वन हो, एक्स इज इक्वल टू वन, उसके लिए डिसकंटिन्यूअस। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हैंस फाइनली द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू, मतलब वन से बड़ा कुछ भी हो या वन से छोटा कुछ भी रियल वैल्यू हो, सभी रियल वैल्यू के लिए वो कंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट सिर्फ एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन को छोड़ करके सभी रियल वैल्यू पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। कोई दिक्कत है समझने में? हेलो? नहीं सर। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक और सवाल देखिए। अच्छा, इसका देखिए, इसका अगर ग्राफिकली हम लोग इसको समझना चाहेंगे, ग्राफिकली ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है, ग्राफिकली, तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू जो ये है ना, इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, देखिए ग्राफ जो होगा वो ये उल्टा उल्टा खींचाता है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये जो है देखिएगा वाई है, दोनों y हो गया एक्सिस, नहीं ये x है, देखिए ये एफ एक्स इजिकल टू क्या होता है, y इजिकल टू एफ एक्स होता है, और एफ एक्स इजिकल टू एक बार हो जाएगा x प्लस टू, कब होगा ना, इफ x का वैल्यू अगर 1 से छोटा हो, ठीक है, और y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस टू, एक्स माइनस टू इफ x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, ठीक है, तो बात है कि और अगर 1 हो तो 1 पर इसका वैल्यू जो है वो x ये लेस देन 1 से, ठीक है, ये ऊपर, तो देखिए तो जब 1 माने y इक्वल टू x प्लस 2 का अगर हम लोग ग्राफ खींचे, ठीक है, 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा के लिए किसका वैल्यू, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 1, यहां पर मान लीजिए 1, तो 1 से छोटा के लिए x प्लस 2, मतलब y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो ये एक्चुअली हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, इसका अगर ग्राफ खींचेंगे ना, इसका ग्राफ खींच करके देखिएगा ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ इधर आएगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, लेकिन 1 से पार नहीं करेगा क्योंकि 1 से छोटा लेना होता है ना, तो इसीलिए ये ग्राफ जो होगा इस टाइप से होगा, देख लीजिएगा, ठीक है, खींच करके, और x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा माने इधर के लिए ये 1 है, 1 से छोटा के लिए ये ग्राफ ऐसा होगा, और 1 से बड़ा होने के लिए देखिएगा ये कैसा होगा, इसका जो ग्राफ होगा ये मान लीजिए 2 है ना, तो ये 2 से होकर जाएगा इस टाइप से, लेकिन x इक्वल टू 1 पर ये, तो देखिएगा x इक्वल टू 1 तक, x लेस देन 1 और इक्वल 1 तक, मतलब 1 तक भी इतना दूर तक आ जाएगा, अगर डॉट डॉट करें तो ये इतना दूर तक, फिर आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन x का वैल्यू जैसे ही 1 आ गया इतना यहाँ पर रुक गया, और 1 से जैसे ही बड़ा हो जाएगा ना तो वो इधर आ जाएगा इस टाइप से ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ तो क्या हो रहा है, इधर x 1 से छोटा के लिए देखो ये कहीं पर ग्राफ टूट नहीं रहा, कहीं पर भी टूटेगा नहीं, और 1 से बड़ा होने के लिए इधर भी कहीं टूटेगा नहीं, इधर भी, ठीक है, इधर भी कहीं टूटेगा नहीं, लेकिन जैसे ही 1 आ गया ना, तो जैसे हम ग्राफ ये खींच रहे थे, 1 जैसे ही आ गया कलम को लिफ्ट देके फिर यहां से शुरू करके इधर जाना पड़ रहा है, इसीलिए ये 1 पर ही ये डिसकंटिन्यूअस है, बाकी और पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, समझ में आया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 11, देखिएगा ये हमको लग रहा है कि तुम लोगों से हो जाएगा, एक बार कोशिश करके तुम लोगों को देखना चाहिए, क्वेश्चन हम लिख दे रहे, देखो फाइंड All points of discontinuity. Find all points of discontinuity. Find all points of discontinuity of the function of the function of the function f. Defined by of the function f defined by क्या ना fx is equal to
एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस टू इफ एक्स लेस देन वन और जीरो इफ एक्स इक्वल टू वन और एक्स माइनस टू इफ एक्स ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू जीरो तुम लोग ये वाला ग्राफ से ही पता कर सकते हो कि ये पॉइंट किस माने ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। देखिए क्या यही वाला है ना, इसमें भी तो था क्या है, एक्स का वैल्यू अगर वन से छोटा तो एक्स प्लस टू, एक्स का वैल्यू अगर वन से बड़ा तो एक्स माइनस टू, इसमें भी वही है एक्स का वैल्यू वन से छोटा तो एक्स प्लस टू, एक्स का वैल्यू वन से बड़ा तो एक्स माइनस टू, लेकिन अगर एक्स इज इक्वल टू वन हो तो एफ एक्स का वैल्यू जीरो। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो टेस्ट करेंगे ना एकदम सेम टू सेम इसी टाइप से करेंगे ना, हम लोग क्या लेंगे एक आर्बिट्ररी रियल नंबर सी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ले लेंगे कैश, नहीं ये तो एक मिनट कितना 10 नंबर ये वाला है। देखिए हम लोग x इक्वल टू सी लेस देन जीरो लेस देन वन एक आर्बिट्ररी रियल नंबर हम लोग ले लिए है ना, x इक्वल टू सी एक आर्बिट्ररी रियल नंबर ले लिए और उसके लिए हम लोग कैश ले लेंगे c का वैल्यू 1 से छोटा, तो c का वैल्यू 1 से छोटा के लिए सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x इज इक्वल टू सी के लिए x इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 माने c का वैल्यू 1 होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू इतना आएगा, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, और तब हम लोग एफ वन का वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, इसलिए एफ वन का वैल्यू और निकाल के क्या फायदा। ठीक है, और उसके बाद एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, इसका जो आंसर है इसको हूबहू अगर उतार देंगे तभी हमको लग रहा है कि इसमें चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये फंक्शन भी ये 11 वाला भी ये मैंने एक्स इजिकल टू वन पर ही ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, एग्जाम्पल 12 देखिए, एग्जाम्पल 12 ये क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, डिस्कस द Continuity of the function defined by, function क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्या है एक्स प्लस टू इफ एक्स लेस देन जीरो फिर माइनस एक्स प्लस टू इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए यहां पर भी कोई पॉइंट नहीं दिया है, अगर मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू सी बी एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर, आर्बिट्ररी रियल नंबर मान लेंगे x इज इक्वल टू सी और हम लोग को केस लेना पड़ेगा, केस x इज इक्वल टू सी केस वन इफ x इज इक्वल टू सी जो है इफ x इज इक्वल टू सी लेस देन वन। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे एक बार, फिर केस टू लेंगे इफ x इज इक्वल टू, हो जाएगा ना, हेलो न कर देना पड़ेगा, ट्राई करोगे। ठीक है, केस थ्री इफ एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू अरे जीरो लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो है ना, तो वो जीरो लेंगे तब, ये वन नहीं है ना, वन नहीं मतलब एक्स इज इक्वल टू सी लेस देन जीरो, एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो पर और एक्स इज इक्वल टू सी ये ग्रेटर देन, ये तीनों केस पर हम लोग देखेंगे, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, फिर आगे का जितना सारा सवाल है ना सब इसी प्रकार से होगा, तुम लोग कोशिश करोगे और एग्जांपल में एक्सरसाइज में देखोगे बहुत सारा सवाल बन जाएगा तुम लोग से। ठीक है, बहुत सारा सवाल बनेगा है ना,
ये जो एक्सरसाइज में देखोगे हाई पॉइंट वन का, वन से लेकर के 12, 13 तक तुम लोग बना सकते हो, आगे भी बना सकते हो। तो जितना सारा बना सकोगे बनाओ, जो नहीं बनेगा वो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग हमको पूछोगे, ठीक है। जो भी नहीं बनेगा, फिर इधर एग्जाम्पल में भी बहुत सारा बाकी है, तो वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, है ना।